तो ये जो हम आपके सामने क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत बार आया हुआ है, कैट, आईपी मैट, एसएससी मेंस, बैंकिंग मेंस। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको जो करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें किसके बेसिक्स लगेंगे? एलिगेशन के। तो एलिगेशन का मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है कि एलिगेशन क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। वो अगर आपको आता है, क्लास में तो मैंने डिस्कस कर ही लिया, वो अगर आपको आता है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप बहुत आसान कर सकते हो। तो क्या कह रहा है, तीन क्लासेस हैं ए बी सी। क्लास ए के जो बच्चों का एवरेज है स्कोर्स का, वो कितना है बोलो? 83 लिख लिया ये मैंने, 83। क्लास बी में जो बच्चे हैं उनका एवरेज क्या है देखो, 76, ये मैंने लिख लिया 76। क्लास सी में जो बच्चे हैं उनका एवरेज क्या है बोलो? 85, वो भी मैंने लिख लिया यहाँ पे 85। अब ध्यान से पढ़ो, द एवरेज स्कोर ऑफ ए एंड बी इज 79। ए का 83 है, बी का 76 है, और दोनों का मिला के अगर इकट्ठा एवरेज देखा जाए तो ये फॉर्मेट देखते ही आपके माइंड में क्या आता है? एलिगेशन। तो आप ए और बी के क्लास के बच्चों का रेशियो निकाल सकते हो, निकाल लो कितना आएगा, कितना आएगा? 3:1। कोई दिक्कत हो तो बता दो, सबको आ गया समझ? अब बी का एवरेज स्कोर 76 है, सी का कितना है सी क्लास के बच्चों का? 85। बी और सी का कितना है मिला के? 81। तो ये 81 मैंने यहां लिख। अब यहां पे एलिगेशन लगाओ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहां पे एलिगेशन लगाना। 76 और 81 का गैप कितना है? 5। बहुत ही बढ़िया। और 81 और 85 का गैप कितना है? 4। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया? ए रेशो बी है एक तरह से, ए क्लास के बच्चे और बी क्लास के बच्चों का क्या रेशो है? 3:4। बी क्लास के बच्चे और सी क्लास के बच्चों का रेशो क्या है? 4:5। तो बी तो बाय चांस इक्वेट है, बाय चांस वाली बात है कि बी पहले से इक्वल है 4:4। अगर ना होता तो क्या करते, याद है सब बच्चों को? ए रेशो बी और बी रेशो सी वाला फॉर्मेट हो तो पार्किंग ट्रिक मैंने बता रखी है, ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। और यहाँ तो ऑलरेडी बी तो इक्वेट है, एकदम से आप ए रेशो बी रेशो सी क्या बोल दोगे बताओ? तो आप बोल दोगे 3:4:5। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लास में ए बी सी में जो बच्चों का रेशो है 3:4:5, उसने ये नहीं पूछा कि निकालो ये, लेकिन अभी हमने निकाला है, अभी आगे भी करना है क्वेश्चन। यहां तक आ गया समझ? उसने पूछा क्या है कि सभी क्लास का अगर एवरेज निकाला जाए ए बी सी का तो वो क्या होगा। क्लास ए का एवरेज क्या है, क्लास ए के स्कोर्स का एवरेज क्या है बेटा? 83, ये तो दिया हुआ है ना। क्लास बी के 76, क्लास सी का 85। क्लास ए के बच्चों के स्कोर्स का एवरेज 83 है और बच्चे रेशियो में 3 निकल आए, है ना। क्लास बी के 4 बच्चे हैं और एवरेज कितना है? 76। क्लास सी के 5 बच्चे हैं, रेशियो में है ये। तो सभी क्लासेस के एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? अब आपके माइंड में आ रहा होगा 83 x 3 प्लस 76 x 4 अपॉन, ये गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही मेथड है, इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक डेविएशन वाली ट्रिक भी है जिससे हम इस क्वेश्चन को और आसान बना सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ एवरेज अज्यूम कर लेंगे जो 76 और 85 के कहीं बीच में लाई करती है, लगभग बीच में, ताकि डेविएशन लेने में आसानी हो। कोई भी रैंडम वैल्यू मान सकते हो आप। तो आपने एवरेज क्या अज्यूम कर ली बोलो? 80। अज्यूम्ड एवरेज, अज्यूम्ड मीन बोल सकता हूँ, एवरेज बोल सकता हूँ, आपने 80 लेट कर ली। अब ध्यान से सुनना, आपने 80 लेट कर ली, 83 80 से 3 ज्यादा है और बच्चे कितने हैं? 3। 83 एवरेज होने का मतलब हर एक बच्चे का ऑन एवरेज 83 स्कोर है, ऐसे 3 बच्चे हैं। 83 का 80 से 3 का डेविएशन आया, ऐसे कितने बच्चे हैं? 3। 3 3 9 डेविएशन हो गया ना। फिर 76 का 80 से कितना डेविएशन आया? माइनस का 4, कम है ना ये, माइनस का 4। ऐसे कितने बच्चे हैं बी क्लास में? 4।
माइनस फोर इंटू फोर कितना हुआ, -16। क्लास में आओ 85, 80 से कितना ज्यादा है, 5 प्लस 5, और ऐसे कितने बच्चे हैं, 5। तो नेट डेविएशन क्या आ रहा है, ऐड करो इन सबको, एडिशन करो, 25 और 9 34, 34 में से 16 गए, प्लस का 18 आ रहा है। अगर ये जीरो आ जाता तो क्या होता, जो एज्यूम करिए एवरेज वही होती, क्योंकि एक्चुअल एवरेज से सम ऑफ डेविएशन जीरो होता है, लेकिन ये जीरो तो आ नहीं रहा, इसका मतलब 80 एवरेज नहीं है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब 80 से ज्यादा है कुछ ना कुछ एवरेज। 18 कितने लोगों में बांटना है, आप कितने बच्चे हैं ऐड करो, तीन पहले में थे, 3 4 5 था ना रेशियो, रेशियो क्या था, 3 4 और 5, रेशियो क्या था, 3 4 और 5, 3 4 7 और 5 12, तो ये 18 12 बच्चों में बटना है, तो क्या आया 18/12, 1.5 आएगा, 12 एकम 12, 1.5 ये आएगा, और 80 में 1.5 ऐड होके कितना आएगा, 81.5। तो कौन सा आंसर मार्क करके आएंगे, ए आंसर मार्क करके आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया।